अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आपका ढेर सारा वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपसे डर्मा सेशन के टी ट्री और सैलिसिलिक एसिड सीरम का रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग सीरम है। इसकी फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। इसके अंदर टी ट्री ऑयल और सैलिसिलिक एसिड जो है ना, वो 2% है। दोस्तों, सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना, आपकी स्किन में से ऑयल को, सीबम को कंट्रोल करता है। जब आपकी स्किन में से ऑयल और सीबम कंट्रोल हो जाता है ना, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो आपके एक्नी कम हो जाते हैं, आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, आपके कोमेडोन्स कम हो जाते हैं, आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होते। तो ये बहुत ही अच्छी फार्मूलेशन है। साथ में इसके टी ट्री ऑयल इसमें डाला हुआ है सीरम में। तो टी ट्री जो होता है ना, उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी सेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, वायरल बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टी ट्री ऑयल पे मैंने मुकम्मल डिटेल में वीडियो दी हुई है अपने चैनल पर, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे कैसे, कौन कौन सी प्रॉब्लम पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर दे सकते हैं। तो गाइस, सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना, 2% जो होता है ना, वो फेस वॉश के फॉर्म में होता है, क्योंकि फेस वॉश को हमने लगाना है और फेस वॉश कर देना उसी टाइम। जो 2% है ना, वो ज़्यादा सीरम के फॉर्म में जो है ना, वो आपको इरिटेशन कर सकता है, रेडनेस, आपकी स्किन रेड हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है आपके फेस पर 2% सैलिसिलिक एसिड में से। तो इस सीरम में जो है ना, वो 2% सैलिसिलिक एसिड है। तो मैंने ना पहले इसको अपने कस्टमर्स में यूज़ कराया कि किससे रेडनेस तो नहीं हो रही, किसी को बर्निंग, किसी को इचिंग तो नहीं हो रही। तो मैंने जो है ना, इससे कोई भी कंप्लेन नहीं आई मुझे कि इससे रेडनेस हो रही। मैंने इसको खुद भी यूज़ किया, तो मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, लेकिन जो है ना, मुझे भी कोई इससे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर टी ट्री ऑयल है। टी ट्री जो है ना, वो इन्फ्लामेशन को कम करता है, इसके अलावा आपकी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कम करेगा, आपके एक्नी को कम करेगा। तो जो है ना, सैलिसिलिक एसिड 2% है, लेकिन इसकी फार्मुलेशन अच्छी हुई है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं इसके अंदर, ताकि जो है ना, वो फेस पर इरिटेशन ना हो, रेडनेस ना हो, बर्निंग ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा गाइस सीरम है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जो है ना, इसको ट्राई कैसे करना है, आपने यूज़ कैसे करना है, इसको जो है ना, नाइट टाइम में आप यूज़ करें। थोड़ा हैवी मॉलिक्यूल है सैलिसिलिक एसिड जो है ना, वो आप रात में ही यूज़ करें। विटामिन सी और नियासिनामाइड जो है ना, वो आप डे में यूज़ कर सकते हैं, ऊपर सनस्क्रीन लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है ना, वो जो सैलिसिलिक एसिड वाला जो सीरम है ना, ये डर्मा सेशन का विद टी ट्री ऑयल वाला, ये आप नाइट टाइम यूज़ करें। आप फेस वॉश करके आप 2-3 ड्रॉप्स लें सीरम के, और स्किन के अंदर उसको पेनिट्रेट कर दें, एब्जॉर्ब कर दें। सुबह उठ के फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे आपके फेस पर ड्राइनेस हो सकती है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना, स्किन के सीबम को, ऑयल को कम करता है। ये अच्छा सीरम है। इसके फेशियल का भी मुकम्मल डिटेल में मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पर, वो भी आप जाकर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी जो है ना, MRP है तकरीबन, मैक्सिमम MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 700 प्राइस है इसकी MRP जो है ना। तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। मैं जो है ना, पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनकी अच्छी फार्मुलेशन हुई होती है, मैं उनके रिव्यू ज़रूर करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय गाइस।